डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ रेकरेंस रिलेशन, और इस रेकरेंस रिलेशन को मैं सॉल्व करूंगा बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। गाइज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं, या जिसको हम डा बोलते हैं, जब भी हम डा या एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं ना, तो पहला ही टॉपिक जो है ना वो आ जाता है आपका रेकरेंस वाला। और मैंने पहले भी बताया कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है, तो वहाँ पे ना स्टूडेंट जो है वो स्टक कर जाते हैं, और उसकी वजह से उनको लगता है कि यार ये डा जो है वो बहुत मुश्किल है। तो कई लोग जो है ना, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट आप कह सकते हो कि वहीं पे अपने हथियार डाल देते हैं कि भैया मेरे से तो आगे होना नहीं है। लेकिन गाइज, इसको हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और वैसे भी एल्गोरिदम की अगर आपको समझ अच्छे से करनी है तो ये पोर्शन आपको आना ही चाहिए। तो मैं बहुत इजी तरीके से, मैं इसीलिए आपको मैक्सिमम रेकरेंस रिलेशन जो है वो समझा रहा हूं, और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि इससे एक तो सारे रेकरेंस रिलेशन आप सॉल्व कर सकते हो, और कहीं ना कहीं जहां पे मास्टर थ्योरम फेल हो जाती है, नहीं वर्क करती, ये मेथड हर जगह काम होता है, तो इसीलिए आपको अच्छे से करना जरूरी है। देखो, यहां पे मेरे को दिया हुआ है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1, ये तो मेरे को पता है कि टर्मिनेशन कंडीशन होती है। मेन पॉइंट यहां पे आ जाता है टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस लॉग एन, ठीक है ना, ये मेरे पास जो है वो रेकरेंस रिलेशन दिया हुआ है। अब देखो, बैक सब्स्टिट्यूशन में पहले भी आपको बताया है कि n की वैल्यू जो है वो n माइनस 1 जा रही है, मतलब n की वैल्यू कैसे डिक्रीमेंट हो रही है, n की वैल्यू n माइनस 1, तो हम क्या करते हैं t ऑफ n माइनस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब n की जगह n माइनस 1 डाल दो। तो अगर मैं n की जगह n माइनस 1 डाल देता हूं तो अंदर क्या फर्क पड़ेगा, ये n माइनस 2 हो जाएगी। सिंपल, n माइनस 1 तो ऑलरेडी है, इस n की जगह n माइनस 1 डाल दोगे तो माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो n माइनस 2 प्लस log n। अब भैया इसको मत भूल जाना, यहां भी n है, ये भी वही n है जो ये n है, तो n जो है वो n माइनस 1 हो गया, तो यहां पे n माइनस 1 अगर डाल दिया तो ये तो n माइनस 2 हो गया, लेकिन ये n की जगह आपको n माइनस 1 करना मत भूल जाना, ठीक है। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गई आपकी, इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं हम नंबर 2, ये मेरी मेन इक्वेशन है, इसको हम नंबर 1 रखते हैं। अब देखो, एक और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एन माइनस 2, मतलब अगर मैं एन की जगह एन माइनस 2 डाल दूं तो क्या होगा, देख लेते हैं, एन की जगह एन माइनस 2 डाल दूं तो यहां क्या बन जाएगा, टी ऑफ एन माइनस 3 बन जाएगा, एन माइनस 3 प्लस लॉग एन की जगह क्या डालना है, एन माइनस 2 डालना है ना, तो यानी लॉग एन माइनस 2 बन गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब करना क्या है, बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब 2 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, मतलब कहने का कि n माइनस 1 आपने कैलकुलेट कर लिया, इस n माइनस 1 की इस इक्वेशन को यहां डाल दो, इसको यहां डाल दो, तो यहां जब आप डालोगे तो देखो t ऑफ n आपका क्या बन जाएगा, ये अब मैं इस वाली वैल्यू को, क्योंकि ये किसकी वैल्यू वैल्यू है, n माइनस 1 की, तो n माइनस 1 में ये सारा डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा t n माइनस 2 प्लस log n माइनस 1, ये तो हमने डाल दिया एज इट इज, और साथ में इसके क्या है, log n एक ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो, ये मेरे पास जो है वो वैल्यू क्या बन गई, टी एन माइनस 2 आ गया। अब टी एन माइनस 2 ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, मतलब 3 को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, मतलब एन माइनस 2 की जगह मैं सारी ये वैल्यू डाल देता हूं, तो ये टी एन माइनस 3 प्लस लॉग एन माइनस 2 प्लस लॉग एन माइनस 1, और ये आ गया आपका लॉग एन लास्ट में। तो आपको यहां पे एक तरह से सीक्वेंस ट्रेंड पता लग गया कि नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या बनेगा, टी एन माइनस 4 बनेगा, यहां पे लॉग एन माइनस 3 बन जाएगा, और फिर यहां पे लॉग एन माइनस 2, लॉग एन माइनस 1 एंड लॉग एन, ये आई थिंक सबको पता लग गया होगा। तो अगर मैं इसको के टाइम्स चलाऊं, अगर मैं इसको k टाइम्स चलाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका t n माइनस k, ठीक है, मतलब पहले यहां पे जो है n माइनस 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो k टाइम्स अगर चलाता हूं तो n माइनस k हो गया प्लस log n माइनस, अब देखो ये अगर k टाइम्स चला, 4 के बाद ये k टाइम्स चला, 5 6 7 अप टू k, ये एक कम चल रहा है, अगर ये 4 है तो ये 3 है, गेटिंग द पॉइंट, अगर ये 4 है तो ये 3 है, तो मतलब कहने का कि अगर ये k है तो ये k माइनस 1 होगा, तो बस n माइनस k माइनस 1, बस ये ध्यान से लिखना n माइनस k माइनस 1, क्योंकि एक कम चल रहा है, तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन प्लस
ये नेक्स्ट वाला अब आपको लिखना आसान है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वाला और एक कम चल रहा है, तो n माइनस के माइनस टू बन गया प्लस n माइनस के माइनस थ्री चलेगा। तो ये आपको एक सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से पता लग गया। तो लास्ट में आपके पास देखो k था, k माइनस वन, k माइनस टू, k माइनस थ्री, k माइनस फोर, k माइनस फाइव, जाते जाते k की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये जब यहां तक आएगी, n तक आएगी, तो n माइनस जीरो मतलब n ही रहेगा, तो यानी लास्ट में आपका log n, मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो, मतलब आप यहां पे मैंने प्लस डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लिखने जाओ तो प्लस करके डॉट डॉट कर दो, मतलब ये आपको सीक्वेंस जो है वो पता लग गया कि ये मेरा एक तरह से सीक्वेंस बन गया, लास्ट में मेरा log n। क्योंकि आपको इस सारे लिखने की जरूरत थोड़ी ना, आपको सिर्फ आइडिया लगाना, आपको पता करना है कि कैसे मेरे को सॉल्व करना है। अब देखो आपको पता है कि भैया मेरे को इस चीज को खत्म करना है, इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी ये वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। तो इसको खत्म करने के लिए मैं यूज करता हूं टर्मिनेशन कंडीशन। अब देखो टी ऑफ अगर मैं वन बना दूं, अंदर अगर मैं वन बना दूं तो मुझे पता आंसर क्या आता है, वन, मतलब टी ऑफ अंदर अगर मैं वन बना दूं ना ब्रैकेट के अंदर तो आंसर मेरा वन आ जाता है। तो अंदर वन बनाने के लिए, इस टी ऑफ ब्रैकेट के अंदर वन बनाने के लिए क्या करो, एन माइनस के को आप वन के बराबर पुट कर दो। तो के की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, स्मॉल, कई जगह मैंने स्मॉल लिख दिया बट बात एक ही है, k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, n के बराबर आ गई। तो यहां पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू n के बराबर आ गई क्योंकि n माइनस k इज इक्वल टू वन है, तो k की जगह आप क्या पुट कर दो, n वैल्यू पुट कर दो, ताकि मेरा n जो है वो सब जगह से खत्म हो जाए। तो यहां पे तो देखो यहां पे तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका t ऑफ 1 बन गया, t ऑफ 1 क्या है, 1 है, तो यानी ये तो आपका सिंपल 1 बन गया प्लस log n माइनस log, आप देखो यहां पे log n माइनस k माइनस वन करोगे तो क्या है, k की जगह आपने क्या पुट करना है, n पुट करना है, तो n माइनस वन इस तरीके से बन जाएगा। मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं, log n माइनस k की जगह आपने n पुट कर दिया तो n माइनस वन इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको पता है कि यार ये देखो log n माइनस, ये पूरी ब्रैकेट के अंदर है, ये n माइनस n तो हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वन हो गया, तो यानी n से n कट जाएगा, ये बन जाएगा log वन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट जो है वो log वन बन गया। फिर उससे नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, उससे नेक्स्ट इक्वेशन आपकी ऑब्वियसली, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, उससे नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, उससे नेक्स्ट आपका यहां पे n पुट करोगे तो n माइनस n कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। तो अब आपको दिख रहा है साफ कि ये log 2 फिर log 3 करते करते प्लस log n तक आपकी इस तरीके से टर्म बन जाएगी, पूरा सीक्वेंस आपका ये बन जाएगा। अब देखो log 1 log 2 सॉरी यहां पे log 2 है, log 2 log 3 log 4, तो आपको पता है कि log के केस में log 1 प्लस log 2, ये आपने सबने पढ़ा ही होगा कि log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m into n लिख सकते हैं, ये सबने पढ़ा ही होगा। तो यहां पे 1 तो ये साथ में चल ही रहा है, इसको आप यहां पे ऐसे लिख लो, 1 तो ये साथ में चल ही रहा है, ये अगर मैं log एक तरह से कॉमन ले लूं तो ये बन गया आपका 1.2.3.4.up to n आपका बन गया, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये आपकी जो है वो प्रोडक्ट वाली सीरीज बन गई, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, ये फैक्टोरियल सीरीज बन गई, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस log n फैक्टोरियल, log n फैक्टोरियल, ये बन गया, ये आई थिंक सबको समझ आ ही गया होगा, ये वाली सीरीज आपकी बन गई n फैक्टोरियल। अब देखो इस n फैक्टोरियल को सॉल्व करके लिखना है, क्योंकि सॉल्व तो अभी भी नहीं हुआ। तो देखो n फैक्टोरियल होता क्या है, n फैक्टोरियल होता है n into n minus 1 फैक्टोरियल, या आप और भी लिख सकते हो n into n minus 1, n minus 2 into n minus 3, इस तरीके से आपका फैक्टोरियल जो है वो चलता है। अब देखो वर्स्ट केस में ये n तो है ही, ये n minus 1 भी n टाइम्स तक चल सकता है, ये n minus 2 भी n टाइम्स तक, मतलब ये वर्स्ट केस में आपकी n into n into n into n up to n टाइम्स, मतलब आप इसको लिख सकते हो 1 plus log n की पावर n, सिंपल। क्यों, देखो n फैक्टोरियल होता क्या है, n into n minus 1 फैक्टोरियल, n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल, तो यानी ये जो है n minus 2, n minus 3, n minus 4, ये मैक्सिमम n टाइम्स चल सकता है, क्योंकि अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट हुई तो n minus 1 भी करोगे, इनफाइनाइट minus 1 भी करोगे, रहेगा तो वो n ही। तो आप अगर वर्स्ट केस में भी देखो तो ये सीरीज जो है वो n into n into n मतलब n की पावर n तक चल सकती है। तो हमने वो वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो ये क्या बन गया आपका, इस तरीके से 1 प्लस log n की पावर n। अब आपको पता ही है यहां पे ये n जो है वो आपका आगे आ सकता है, तो 1 प्लस n log
n, और इसमें से ऑब्वियसली आपको पता है आप इसको ऑर्डर ऑफ n log n लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपका सोल्यूशन आपके सामने है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, स्नैपशॉट इसका खींच लेना और इसको अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि कई बार ये चीजें ना दिखने में आसान लगती हैं लेकिन जब आप सॉल्व करते हो ना तो कहीं ना कहीं स्टेप में अटक सकते हो। इसीलिए जितने कर सकते हो मैक्सिमम ये करना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।